नाम और परिचय बता दो जी। मेरा नाम आचार्य रणधीर कुमार पांडे है और मैं वर्तमान समय में गंगा सेवा निधि का प्रधान पुजारी। रणजीत जी, जिस तरह से वाराणसी में देव दीपावली का पर्व मनाया जाता है, इसकी क्या पौराणिक महत्ता है और क्यों मनाया जाता है इसको काशी में ही विशेष तौर पर? काशी को पृथ्वी से अलग माना जाता है, इसलिए यहाँ पे सभी और सभी यहाँ पे 33 करोड़ देवी देवताओं का स्थान मिला हुआ है। सभी 33 करोड़ देवी देवता यहाँ पे आए हुए हैं, तो यहाँ पे देव दीपावली का विशेष महत्व है। और आज के समय में ये देव दीपावली जो है सो एक बहुत बड़ा, मतलब समझिए कि भारत का तो सबसे बड़ा जलोत्सव के रूप में मनाया जाने लगा है। गुरु, जैसे पहले माना जाता था पंचगंगा घाट पर ही देव दीपावली होती थी जी, लेकिन अब ये बृहद रूप में सामने आ गए। पंचगंगा घाट का क्या इतिहास है इसका? वहाँ पे बताते हैं कि 5 गंगा वहाँ पे आकर के मिलती हैं और भगवान शंकर ने आकर के कार्तिक पूर्णिमा वाले ही दिन ये वहाँ पे स्नान किया था पार्वती के साथ, इसलिए वहाँ का विशेष महत्व मनाया गया है। इसका बृहद रूप देखिए, जब से 1991 से हम लोग शुरू किए हैं, ये भव्यता बढ़ते गया। आज इसकी बृहद रूप पूरे काशी या पूरे समझ लीजिए भारतवर्ष में हर जगह पर कोने कोने में हो रहा है और इसको देखने के लिए पूरे विश्व के लोग आते हैं। यहाँ तक कि होटल लाज कहीं जगह नहीं है, कहीं जगह नहीं है, नावें सारी बुक हो चुकी है, सारे होटल लाज बुक हो चुके हैं और समझ लीजिए इसको तो और बृहद होता ही जाएगा दिन पर।